नमस्कार, मैं शेफ रवि स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको घर में बची हुई मलाई से मक्खन भी बनाना बताऊंगा और शुद्ध देसी घी भी, ताकि बाजार से लाए हुए घी में और घर के बनाए हुए शुद्ध घी में फर्क पता चल सके आपको। और अगर आपके पास मलाई की क्वांटिटी ज्यादा है ना, तो पनीर भी सेम इसी सिंपल प्रोसेस में बन जाएगा। तो बस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं मक्खन और देसी घी भी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे एक गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, और अगर आपने अभी तक इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो पहले जाके सबसे वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि वहाँ पर आप बहुत कुछ जीतने वाले हैं। पता है क्या क्या जीतने वाले हैं? आप जीतने वाले हैं बाटी ओवन, गैस वाला तंदूर, उसके अलावा मेजरिंग कप्स, शेफ के 3 पेयर ऑफ नाइफ, और सबसे मेन और मेरा फेवरेट है बिना इलेक्ट्रिक के चलने वाला चॉपर, जिसके अंदर आप वेज से लेके नॉन वेज सब कुछ चॉप कर सकते हैं, कीमा बना सकते हैं, है ना शानदार। तो बस आप इस वीडियो को 3 मिनट तक देखिए, पूरा देखें तो आपके ऊपर है। उसके बाद आप उसी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे उस कॉन्टेस्ट का लिंक होगा, उसे क्लिक करिए और अपनी एंट्री दीजिए। बस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, यह है गाय के दूध की मलाई, जिसे हम स्टोर करके रखते हैं 7 से 10 दिन, उसके बाद इसका घी बना लेते हैं। इसे स्टोर किया जाता है फ्रीजर के अंदर, लेकिन जिस दिन हम इस घी का प्रोसेस चालू करते हैं ना, बनाने से 2 घंटे पहले हम इसको फ्रीजर में से निकाल के नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ले आते हैं। फिर जब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आ जाए, तब आप इसे एक बड़े बर्तन में निकाल दीजिए और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस डाल दीजिए। इसे डालने से मलाई के अंदर मक्खन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। फिर बस आप एक लैडर ले लीजिए और इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाइए, दूसरे डायरेक्शन में आपको नहीं घुमाना है। जैसे गांव के अंदर बिलौना होता है ना, बस ये वही प्रोसेस है। आप तो बस इसे चलाते जाइए तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए स्टार्टिंग में। फिर जैसे ही आपकी मलाई स्मूथ पड़ जाए, तब आप इसके अंदर आइस क्यूब या फिर एकदम चिल्ड ठंडा पानी ऐड कर लीजिए। पानी की क्वांटिटी कुछ ऐसे जाएगी, जैसे कि आपके पास आधा किलो मलाई है ना, तो 1/2 लीटर पानी जाएगा उसके अंदर, वो भी एक साथ नहीं जाएगा। पहले आपको 250 ml डालना है, फिर इसे 2 से 3 मिनट चलाना है, और उसके बाद फिर से 250 ml डालना है, फिर से इसे 2 से 3 मिनट चलाते जाना है सेम डायरेक्शन में। जब सेकेंड बार आप इसे पानी डाल के घुमा रहे होंगे ना, तब आपका टाइम घुमाते घुमाते हो जाएगा तकरीबन 8 मिनट तक का। फिर आप देखेंगे मक्खन अलग हो चुका है और दूध अलग हो चुका है। ये वो वाला दूध होता है जो मलाई के साथ में स्टोर हो जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है ना, वही वाला। अब बस आप एक बर्तन ले लीजिए बड़ा वाला, और एक स्ट्रेनर ले लीजिए, और इसे छान लीजिए। छानने से क्या होगा, इसका जो एक्स्ट्रा दूध ये निकला हुआ है ना, लिक्विड वाला, ये अलग हो जाएगा, और हमारा जो मक्खन है वो भी एकदम अलग हो जाएगा। आपको पता है ये जो दूध बचा हुआ है ना एक्स्ट्रा वाला, इसे बोलते क्या है? इसे कहते हैं ओरिजिनल बटर मिल्क। काफी जगह आपने देखा होगा दही के अंदर पानी मिला के बोलते हैं बटर मिल्क, बट वो नहीं होता है। अब देखिए, आप अपने हाथों की मदद से इसे धीरे धीरे करके चलाइए और इसके अंदर का जो दूध है ना, उसे छान लीजिए, ताकि हमारे पास रह जाएगा सिर्फ मक्खन। बस इसी को आप शेप देके ठंडा करेंगे ना, तो बाजार में जो अनसॉल्टेड बटर मिलता है ना, ये वही है। अब आप ये जो नीचे एक्स्ट्रा दूध देख रहे हैं ना, इसका हम फाड़ के पनीर भी बना सकते हैं, लेकिन अभी इसकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, इसलिए हम इसका बटर मिल्क ही पियेंगे। फिर उसके बाद देखिए, हमने जो मक्खन छाना था ना, उसको फिर उसी बर्तन में निकाल दीजिए, क्योंकि इस बार हम इस मक्खन को धोएंगे। धोना हमें इसलिए है क्योंकि हमने इसके अंदर नींबू डाला था, और नींबू की स्मेल बहुत ही गंदी आती है, इसीलिए आपको धोना बहुत ही ज़रूरी है। धोने के लिए वही प्रोसेस यूज़ करना है, पानी डाला, इसे अच्छे से घुमाया, और फिर इसे एक स्ट्रेनर और एक बाउल के अंदर छान लिया। जो अभी हमने फर्स्ट टाइम किया था ना, बस वापस आपको वैसे ही रिपीट करना है। चलिए दिखा भी देता हूँ मैं आपको, मैंने वही स्ट्रेनर लिया और वही बाउल लिया है, और फिर से उसी के अंदर इसे छान लिया है। ये प्रोसेस भी आपको 2 बार करना है, जिससे नींबू की सारी गंदी स्मेल इसमें से निकल जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे आपको मक्खन को कोई फ्लेवर देना है या फिर कलर देना है, तो यहाँ पे दे सकते हैं आप, या फिर आप थोड़ी सी सीजनिंग करना चाहें सॉल्ट और ब्लैक पेपर की, तो भी कर सकते हैं। और थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आपका ये फाइनल प्रोडक्ट मक्खन का, या फिर कह लें बटर का, रेडी है। अब हम इस मक्खन का क्लैरिफाइड बटर बनाएंगे, यानी कि घी बनाएंगे।
उसके लिए आपको ऐसा बर्तन लेना पड़ेगा जिसका जो तना है ना वो मजबूत होना चाहिए और थोड़ा मोटा होना चाहिए। फिर आपका जो मक्खन है ना आप उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। अब बस आप इसे गैस पे चढ़ा दीजिए और इसकी फ्लेम को रखिए एकदम मीडियम के ऊपर। इसे पूरी तरह घी बनने में 5 से 6 मिनट लगेंगे। यहाँ पे भी आपको इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते रहना है, उल्टा नहीं चलाना लैडल आपको इसमें भी, और ना ही इसे हाई फ्लेम पे करना है, नहीं तो ये नीचे बहुत ही जल्दी लग जाता है, इसीलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाइए। फिर जब इसे पकते पकते 2 से 2.5 मिनट हो जाएंगे ना, तब आप देखेंगे ये एकदम लिक्विड बन चुका है और इसके अंदर धीरे धीरे येल्लो कलर आ रहा है, क्योंकि ये गाय का घी है। अब देखिए 3 से 3.5 मिनट के अंदर इसके अंदर एकदम येल्लो कलर आने लगा है, एकदम घी का प्रोसेस चालू हो चुका है इसमें, लेकिन अभी तक इसके अंदर बॉयल नहीं आया है। फिर जब इसके अंदर बॉयल आ जाए आप इसके अंदर थोड़ी सी खुशबू के लिए डालिए कूटी हुई इलायची और थोड़ी सी लौंग, क्योंकि कई लोगों को घी की खुशबू अच्छी नहीं लगती, ये बस उनके लिए है। अब बस आप इसे फिर से चलाते जाइए जब तक इस घी का मावा नहीं बन जाता। अब देखिए इस घी में पकते पकते मावा बन गया है। अगर आपको ये मावा चाहिए तो यहीं पर इस प्रोसेस को बंद कर दीजिए, गैस को बंद करके इसे छान लीजिए, और अगर नहीं चाहिए तो अभी भी इसे पकने दीजिए। फिर जैसे जैसे आपके घी के अंदर मावा जलने लगेगा इसके अंदर झाग आने लगेंगे और घी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उस मावे के अंदर ही घी होता है। फिर बस आपके घी के अंदर जब मावा एकदम ब्राउन हो जाए गैस को एकदम कर दीजिए बंद और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमें, सिर्फ रूम टेम्परेचर आने तक। ये देखिए आ गया ये एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में। फिर जब ये ठंडा हो जाए तब आप एक बाउल और एक स्टेनर लीजिए और इन्हें छान लीजिए। स्टेनर एकदम पतली जाली का रखिए, बड़ी जाली का मत रखिए, क्योंकि मावे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे से होते हैं और उनको छानने में काफ़ी तकलीफ होती है। अब आपका प्योर और देसी घी रेडी है, जिसे इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर भी कहते हैं। ये देखिए सबसे आखिर में हमारे पास बच गया 200 ml प्योर देसी घी और मलाई हमारे पास थी 1/2 kg की। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं आप तो सब्सक्राइब करके ही जाना है आपको, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिले सबसे पहले। जय हिंद।